डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स आज फिर से हम सबों के बीच आ चुके हैं। टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता। अभी कुछ घंटे पहले ही हम लोगों ने 10 नए टॉपिक्स लिए थे। ये घंटे बीत गए और फिर से नया सवाल, नया प्रश्न, नया क्वेश्चन, नया सेट ऑफ टॉपिक्स हमारे सर पे आ खड़ा है। इन्हें करना है जैसे भी हो चुके। इन्हें करने के बाद हमारे लिए बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। तो जिनके पास टाइम है वे डेफिनेटली इसे मैनेज करें, और जिनके पास टाइम की कमी है उन्हें किसी तरह से इसे बांधना होगा, निकालना होगा टाइम, कम से कम 4 से 5 घंटे, तभी इस तरह के टॉपिक्स हो पाएंगे। जितना भी संभव हो आपको इन्हें करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इन टॉपिक्स को किया है उनकी तो पहचान होगी इस प्रश्न से जिसके आंसर उन्हें देने हैं। हर बार हर सेट के लिए शुरुआत हम लोग करेंगे पिछले सेट के टॉपिक्स के कुछ प्रश्नों से जिसके आंसर्स आपको देने होंगे। पिछला टॉपिक जो आज का टॉपिक आपने किया, जो कल रात में दिया गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताने होंगे, सही सही आंसर। लेकिन ये आंसर बुक्स देखकर आपको नहीं बताना है, इसलिए कि बुक से ही ये प्रश्न निकाले गए हैं। तो फिर पढ़कर अगर आप आंसर्स करेंगे तो इसके कोई मतलब माने नहीं होंगे। आपको इसके आंसर्स अभी आप वीडियो देखते हुए करने होंगे, इंस्टेंटली बिना बुक देखे, तभी हम समझेंगे कि आपने इसे पढ़ा है। मेरा पहला क्वेश्चन है मौर्य काल से, 3 क्वेश्चन मौर्य काल से, बड़ा टॉपिक है उससे आज निकल कर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी किस प्रकार का अधिकारी था, कैसा अधिकारी था, कौन सा विभाग देखता था एग्रोनोमी। दूसरा क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने, तत्कालीन इतिहासकार ने, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ने यह बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, पैदल सेना, 30,000 अश्वारोही सेना थी घोड़े वाली, 8,000 हस्ती सेना हाथी वाली सेना थी, और 9,000 रथ, घोड़े खींचने वाले रथ वाले सैनिक थे। ये कौन विदेशी इतिहासकार, आपको बता देते हैं, यूनानी हिस्टोरियन ने बताया। वो कौन हिस्टोरियन है जो ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी विशाल संख्या में सेनाएं थी, तो इसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता क्या था, यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मौर्य काल में सीता क्या था डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, हम लोगों ने लिथोस्फीयर लिया था यानी स्थलमंडल। आपको बताना है, चूंकि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है अलग अलग लेयर्स में है, आपको बताना है कि धरती के अंदर कितना मीटर जाने पर औसतन एवरेज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, कितने मीटर की गहराई पे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये आपको ज्योग्राफी से बताना है। अगला क्वेश्चन है साइंस से यानी बॉटनी से, हम लोगों ने बॉटनी से मॉर्फोलॉजी लिया था औकारिकी। आपको बताना है कि नोड और इंटरनोड, जिसे हिंदी में पर्व संधि और संधि कहते हैं, ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है, जड़ में, रूट में, स्टेम में, लीफ में, या फिर फ्लावर में, नोड एंड इंटरनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है, हम लोगों ने पॉलिटी में संसदीय समितियां लिया था, पार्लियामेंट्री कमिटीज। आपको बताना है कि किस कमिटी को लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी की बहन कहते हैं, कौन सी कमिटी है जिसे ट्विन जो कमिटीज कहते हैं, लोक लेखा समिति की बहन किस कमिटी को कहते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो 2011 की जनगणना से है, हम लोगों ने लिया था पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। आपको बताना कि बिहार जनसंख्या घनत्व में, पॉपुलेशन डेंसिटी में, ऑल इंडिया में कौन सा स्थान, पोजीशन रखता है। इंस्टेंट आप मैसेज करें, बताएं अगर अभी आप इसके आंसर्स जान रहे हैं, बुक्स देखकर नहीं बताना है, चाहे आप 2 ही क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं जान रहे हो। चलिए आज के 10 टॉपिक्स ले रहे हैं, बल्कि अब तो 12 हो गए हैं, हम इसे 10 ही कहेंगे। इसमें अब करंट का भी ऐड हो गया है। यह ध्यान रखें कि करंट हमने प्रतियोगिता दर्पण से लिया है, आप चाहें तो नेट को यूज़ करें, अलग अलग मैगजीन्स नहीं ले सकते हैं। आप कहेंगे कि 1 साल पुराना पीछे का तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जब अभी से हम लोग कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा और पीछे से ले लें, कहीं एक क्वेश्चन भी साल भर पीछे का जो बीपीएससी का पैटर्न है आ गया तो फिर इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो
तो हम लोग अभी से कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने किया था, आज का हम लोग का टॉपिक करेंगे। तो चलिए 10 टॉपिक्स देखते हैं आज के कौन से हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है मौर्यतर काल से, हिस्ट्री का पोस्ट मौर्यन पीरियड लिया गया है। आप देख लें पेज नंबर सब दिए जा रहे हैं। ध्यान रखें कि ये लूसेंट और यूनिक में मौर्यतर काल नहीं बल्कि ब्राह्मण युग कहा गया है, यानी इस टॉपिक का नाम मौर्यतर काल नहीं, जो ब्राह्मण युग है इस शब्द से आपका हेडिंग मिलेगा, यानी ब्राह्मण राज जिसे कहते हैं, यानी शुंग, कण्व और सातवाहन, इस नाम से ये टॉपिक आपको यूनिक में और लूसेंट में मिलेगा और क्रोन में मौर्यतर काल हेडिंग से। पेज नंबर दिए जा रहे हैं, आप इसे पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न इंडिया से हमने लिया है, ये है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। भारत के जो इतने गवर्नर जनरल्स हुए सभी को हमें थोड़े बहुत एक दो पॉइंट्स के साथ समझना है। आज हमने आधा पार्ट लिया है, हाफ पार्ट, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले गवर्नर जनरल से लेकर 1858 तक, लॉर्ड कैनिंग तक, याद रखें कि पहले गवर्नर जनरल तो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो यहां से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक 1858 तक आप लेंगे। लॉर्ड कैनिंग दरअसल पहले गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे, इंटरेस्टिंगली। तो यहां तक करेंगे 1857 के महासंग्राम के बाद 1858 तक के गवर्नर जनरल्स को हम लोग करेंगे। और दूसरा हम लोग ज्योग्राफी में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है भौगोलिक, भारत का भौगोलिक परिचय। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है भारत का भौगोलिक, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसमें एक क्वेश्चन आपका एकदम डेफिनेट है। देखिए इस सेट से हमारे हिसाब से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में बन गए हैं। मेरी ऐसी आशा है कि इससे कम से कम 2 प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे। ये भी एक टॉपिक है, एक मौर्य काल से और एक इस टॉपिक से हमें लगता है कि क्वेश्चन बन जाता है। भारत का भौगोलिक परिचय जिसमें आपको पूरे भारत का चौहद्दी, जो इसका है चौड़ाई, लंबाई, साथ ही बाउंड्रीज, कोई किस किस देश के साथ किस बाउंड्रीज को बनाती है, कितनी लंबाई है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भारत का, ये आप करेंगे। तो भारत का भौगोलिक परिचय पेजेस दिए जा रहे हैं। दूसरा है जलमंडल, दरअसल दूसरा हम लोग टॉपिक जलमंडल करेंगे, जो दरअसल 3 नंबर टॉपिक था, पहले हमने 4 नंबर टॉपिक बता दिया, ये 3 नंबर टॉपिक है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हाइड्रोस्फीयर करेंगे, इसमें आप महासागर को भी करेंगे, कुछ नहीं 2-2 पेजेस में है। ज़्यादातर गाइड बुक का यही बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो 7, 8, 9, 10 पेज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 2-2 पेज हार्डली दिया हुआ है, एक लाइन आप पढ़ जाएं। इसमें आपको पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और इंडियन ओशन भी पढ़ना है, जलधाराएं नहीं पढ़ना है, आप जलधाराएं नहीं पढ़ेंगे। भारत जो हाइड्रोस्फीयर है इसके डिटेल्स लेंगे और साथ में आप ओशंस तीनों पढ़ेंगे। 5वां टॉपिक आइए, ये टॉपिक है साइंस का, क्रोमोसोम्स और डीएनए। देखिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बराबर इससे संबंधित प्रश्न दिख जाते हैं। ये बहुत छोटा आधे पेज का टॉपिक है, डीएनए में थोड़ा सा आपको एक पेज पूरा या डेढ़ पेज दिखेगा। तो डीएनए और क्रोमोसोम्स करेंगे पूरा समझ कर कि इनके जो इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं, बिल्कुल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, वो क्या है। तो ये है साइंस का। नेक्स्ट है, देखिए फिर से उलट हो गया, 6 नंबर आपको हमने बता दिया, आप 5 नंबर टॉपिक, अब हम आपको साइंस का जो दूसरा टॉपिक है 5 नंबर, वो है काज, ऊर्जा और शक्ति। यानी 5वां जो टॉपिक है वो आपको कार्य, ऊर्जा यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आपको फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, साथ ही एनर्जी का ट्रांसफर किस किस अप्लायंस में, किस किस इंस्ट्रूमेंट में कैसे होता है, ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऊर्जा का रूपांतरण यानी लाउड स्पीकर में किस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, मोटर में किस तरह से, बैटरी में किस तरह से, तो ये आपको पढ़ना है। डायनमो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डायनमो में किस एनर्जी का किस में ट्रांसफर होता है, रूपांतरण यानी किस में, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आज का 7वां टॉपिक यानी पॉलिटी का टॉपिक, राष्ट्रपति हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग उपराष्ट्रपति करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ये पहले कौन थे, अब कौन है, कौन सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे, क्या इनके वर्थ हैं, क्या इनके पावर्स हैं, क्या रिजाइन किस तरह से करते हैं, इनको हटाया कैसे जाएगा, ये सब आप करेंगे। 8 नंबर टॉपिक इको का है,
इकोनॉमिक्स में हम लोग कर रहे हैं गरीबी और बेरोजगारी। देखिए ये टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग नए भी जुड़े हैं। तो ये टॉपिक आप करें, यूनिक में गरीबी टॉपिक बहुत बड़ा दे दिया है, बहुत हेजी कर दिया है, लंबा कर दिया है, क्योंकि डेटा तो इकोनॉमी में नए आ जाते हैं। तो आप यूनिक वाले जो हैं वो इससे गरीबी ना पढ़ें, जो पॉवर्टी है, निर्धनता है, वो टॉपिक आप इससे अगर टाइम है तो आप पढ़ें, लेकिन इसमें काफ़ी बढ़ाकर बड़ा टॉपिक कर दिया है। हाँ, इसमें क्राउन में लूसेंट में ठीक ठाक है, ये पढ़ लें, लेकिन इससे अच्छा है आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी कितने प्रकार का है, भारत में किस तरह की बेरोजगारी है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट आप तीनों में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे और इसके डिफरेंसेस समझने का प्रयास करेंगे। और गरीबी में ध्यान रखेंगे कि अलग अलग कमेटीज़ का, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, इन लोगों ने गरीबी के क्या मानदंड यानी कि पैमाना बताया है, तो इसे समझना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नाइन्थ नंबर जो नौवां टॉपिक है वो क्लासिकल डांस और फोक डांस यानी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ये हमने उठाया जीके का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब कहाँ के डांसेस हैं? देखिए जो बुक्स है उसमें जो क्लासिकल डांसेस हैं, शास्त्रीय नृत्य, उसका स्थान नहीं दिया है। जैसे कथक उत्तर भारत में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिशी उड़ीसा में, और इसी तरह से केरला में भी मोहिनीअट्टम, और फिर लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य इसमें जो है फोक डांस वो बहुत दिया हुआ है, तो ये आप छोड़ दें, हम आपको इसके टिक आउट करा देंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। इसमें कम्युनिटी पोस्ट में आपको हम भेजते रहते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको इसका पोस्ट कर देंगे कौन से इंपॉर्टेंट है, टिक आउट करके तब आप इसे याद करेंगे, लेकिन आप क्लासिकल डांस कर लें। नेक्स्ट आइए, बिहार पर है पंचायती राज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन जो बिहार की पॉलिटी में पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाएं जैसे ग्राम सभा, जिला परिषद, ब्लॉक में किस तरह की संस्थाएं हैं, इनके हेड कौन होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, इनके अधिकार क्या हैं, तो ये सब आप पढ़ने का प्रयास करें, कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। छोड़ देने में सही नहीं है कि छोड़ देने से तो फिर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनगणना 2011। इस बार हमने जनगणना का इतिहास ले लिया है, ये क्राउन में और इसमें क्राउन में और यूनिक और इसमें लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन यूनिक में ये अच्छे से नहीं दिया हुआ है। मतलब 2011 की जनगणना को बहुत ज़्यादा एलेबरेट किया है। यहाँ पर हमने जनगणना का इतिहास, पहली जनगणना कब हुई, किसके कार्यकाल में हुई, कौन सा विभाजक रेखा कहलाता है, तो इस तरह से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, किस जनगणना में कौन से महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। तो यूनिक वाले जो हैं वो यूनिक से ना पढ़ें, वो किसी और बुक का हेल्प ले लें, ये जनगणना का इतिहास स्पेशली इस टॉपिक के लिए बस। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 12वां टॉपिक, प्रतियोगिता दर्पण। इस बार हम लोग ले रहे हैं आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमी, जो दर्पण में दिया रहता है, जो पूरे महीने भर का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो दिया हुआ इसमें है। तो ये दरअसल हम लोग करेंगे आर्थिक परिदृश्य, सिर्फ हेडलाइन आप देख लें, कम से कम पता चले कि किस तरह से कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, कौन सी बातें हुई। अब देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य में एपेक सम्मेलन था, उसके बाद ऐसे बहुत सारे जो इवेंट्स हुए वो सब आया था। जो अभी नई जो टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है सभी बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए, अब CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगा, UGC नहीं करेगी, बल्कि अब उसके जगह पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गई है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में ये दिया हुआ था, अच्छा था। अंतर्राष्ट्रीय में ये सारे सम्मेलन जो हैं, ये सब आसियान एपेक इसका दिया हुआ था, तो ये सब हमें समझना है। अब आर्थिक परिदृश्य आप करेंगे, कम से कम हेडलाइन हेडिंग देख लें, और अगर कुछ अच्छा लगे तो थोड़ा सा अंदर जाकर भी पढ़ लें। ये 10 टॉपिक्स आपको कल रात तक करने हैं। तो बस आज के इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, आपको इन टॉपिक्स को जहाँ तक संभव हो करना है। टेक केयर।